पेट्रीफाइड देख रहे हैं आप, 36 ग्राम है आपके सामने गिलास में मिक्स हो जाता है ये मिक्स। और लैब रिपोर्ट में आया है जी प्रोटीन इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट फिला फैमिली। तो आज हम पार्ट टू में हैं, जी हाँ, एटम वे प्रोटीन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने बिल्कुल इसका नॉर्मल रिव्यू किया था और आज हम हाजिर हैं इसकी लैब रिपोर्ट वीडियो के साथ। और आज इसकी ओपनिंग और मिक्सिबिलिटी टेस्ट, क्या इसमें स्कूप की क्वांटिटी है, कितना कंपनी मेंशन कर रही है, सब कुछ करेंगे आज इस वीडियो में। मतलब एक्सरे कर देंगे आज इसका। और एटम वे प्रोटीन इस टाइम बहुत डिमांडिंग प्रोटीन है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। और दोस्तों आप बहुत कमेंट कर रहे हैं भैया कब आएगी लैब रिपोर्ट, थोड़ा सा लेट हो गए, पर दोस्तों आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों ये है एटम वे प्रोटीन एज इट इज वालों का, जो कि इस टाइम काफी पॉपुलर चल रहा है। बहुत सारे भाई कह रहे थे भैया इसकी जो है एड्स बहुत देखते हैं हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। जो सोनू सूद जी हैं वो इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो इसको जो है प्रमोट करते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसकी लैब रिपोर्ट वीडियो लाइए, क्योंकि हमें भरोसा है सिर्फ सप्लीमेंट्स विला पर। तो सप्लीमेंट्स विला की लैब रिपोर्ट वीडियो आपके सामने, ये रही रिपोर्ट और वीडियो ये चली रही है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से। कोई ऐसा हो सकता है किसी भाई ने पहला पार्ट ना देखा हो, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे जनरल की क्या कंपनी क्लेम कर रही है, और वो जरूरी भी है। तो ये एटम वे प्रोटीन एक ब्लेंड वे प्रोटीन है। ब्लेंड वे प्रोटीन क्या होता है, जिसमें वे प्रोटीन की दो या दो से ज्यादा फॉर्म मिलती हैं। अब ये वे प्रोटीन क्या होता है, जो दूध से बनता है वो वे प्रोटीन होता है। कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है या आप अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, ये वे प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस आपको अपने बच्चे को ओरिजिनल दिलाना है, और ओरिजिनल वे प्रोटीन किसी भी ब्रांड का आपको मिलेगा सप्लीमेंट्स विला पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स जो है विजिट करते हैं सप्लीमेंट्स विला। आप वीडियोस में देख भी सकते हैं कितनी सारी वीडियोस हैं जिसमें पेरेंट्स आते हैं। तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। तो दूध से बना हुआ है, वे प्रोटीन है, इसकी एक स्कूप है जी कंपनी कह रही है 36 ग्राम की। अभी हम तराजू में अपने में तोलेंगे कि 36 ग्राम की स्कूप है या नहीं है, पर कंपनी कह रही है 36 ग्राम। एक हीप स्कूप, मतलब हीप स्कूप का मतलब जो लेवल स्कूप है उससे थोड़ा सा, मतलब जो पहाड़ सा बन जाता है ना, वो हीप स्कूप है इसकी 36 ग्राम की। टोटल इसके अंदर जो सर्विंग दी हुई है वो है 28। एक किलो की ये पैकिंग है, ये बेसिकली तीन पैकिंग में आ रहा है, एक किलो, दो किलो और चार किलो, और तीनों ही पैकिंग अवेलेबल है। पर हम ओपनिंग करेंगे दो किलो की नहीं, चार किलो वाले की नहीं, एक किलो वाले की कर लेंगे यार ओपनिंग। भाई ओपनिंग ही तो करनी है, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट्स तो मतलब सब कुछ सेम ही है, प्रोटीन तो सेम ही है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, बस पैकिंग अलग है। तो यहां पर जो है एक किलो वाली में जो है आपको 28 सर्विंग मिलेंगी, चार किलो वाला जो इसका पैक है उसमें आपको मिलेंगी इसमें 111 सर्विंग, और दो किलो वाली पैकिंग में 56 सर्विंग मिलने वाली है। तो यहां पर कंपनी एक स्कूप जो कि 36 ग्राम की बताई रही है हीप स्कूप, उसमें कैलोरीज 135, प्रोटीन क्लेम कर रही है कंपनी 27 ग्राम। बाकी लैब रिपोर्ट बताएगी कितना प्रोटीन है इसके अंदर, कितना नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट्स है 4.7 ग्राम, और यहां पर पूरी एमिनो एसिड प्रोफाइल वगैरह सब कुछ यहां दी गई है। और यहां बताया हुआ है कि भाई मिक्सिबिलिटी काफी स्मूथ है इसकी, अभी हम देख लेंगे कि भाई पावर पैक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, और डाइजेशन अच्छा है इसका, सारी चीज़ें आज हम जान लेंगे। और पैकिंग इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकिंग। कुछ कुछ याद दिलाती है हमको इम्पैक्ट वे की, जी हाँ माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे की इसकी पैकिंग जो है कुछ कुछ याद दिलाती है, कुछ उसी तरीके की थीम इसमें रखी गई है। तो यहाँ पर एटम वे प्रोटीन, चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा स्टेप है वो है इसकी ओपनिंग। इससे पहले जो है यहाँ बताया हुआ है कि लेट्स वेरीफाई ऐप पर आप इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन कोड वगैरह यहाँ दिया हुआ है, उसको आप लेट्स वेरीफाई ऐप को डाउनलोड करके और इसको पूरा वेरीफाई आप कर सकते हैं। वो स्टेप भी करके दिखा दूं क्या, चलो दिखा ही देता हूँ यार, जब सब कुछ कर रहे हैं तो दो मिनट और सही। दोस्तों यहाँ पर ये जो है मैं कटर से इसको जो है स्क्रैच कर देता हूँ, स्क्रैच बड़े आराम से करना, काफ़ी बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा मतलब हार्ड स्क्रैच हो जाता है ये, उसके बाद ना फिर पता क्या होता है उसको पिन जो है ना इसके अंदर जो होती है मतलब कोड जो होता है वो मिट जाता है। तो इसलिए बड़े प्यार से आपको स्क्रैच करना है, मैं भी बड़े प्यार से ही कर रहा हूँ यार, कटर पहना हो रहा है कहीं ऐसा ना हो दिक्कत कर दे। ये आ गया इसका कोड, मैं करता हूँ इसे वेरीफाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लेट्स वेरीफाई ऐप जो है मैंने डाउनलोड की हुई है, ये रही। तो ये कह रहे हैं जी या तो स्कैन कर लो इसको और या फिर आप इसमें कोड डाल लो, तो हम कोड ही डाल लेते हैं, जब हमने कोड स्क्रैच कर लिया मेहनत करी है तो 37355 कोड है इसका। कोड में स्कैन ही करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो स्कैन मेरा हो गया है। स्कैन करते ही यहाँ पर ये रहा हमारा 37355 वेरीफाई, और ये हो रहा है। तो देखिए ये हो गया वेरीफाइड ओरिजिनल
एज इट इज न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, और ये आइटम इसकी फोटो आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं वेरीफाई। तो ये वेरीफाई हो गया है। अब अगला स्टेप हमारा इसकी ओपनिंग, यहां से हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया यहां से कट, और इसको कर लेता हूं मैं ओपन। अपने आप में इकलौता एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लेंड फॉर्म में 27 ग्राम दे रहा है। अदरवाइज इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका एक और, आता है वो है आपका नाइट्रा वेवन साइंस का, वो भी 27 ग्राम प्रोटीन देता है। तो खुशबू काफी अच्छी है। और ये फ्लेवर कौन सा है जी? डबल रिच चॉकलेट ये फ्लेवर है। और इसकी स्कूप देख लेते हैं कहाँ है, और स्कूप जो है इसके ऊपर मिल गई है। अब जरा ध्यान रखेंगे कि हमको जो है ना बताया गया है कि 36 ग्राम की स्कूप है, हीप्ड स्कूप, मतलब पहाड़ सा बन जाएगा स्कूप के ऊपर, तब वो मानी जाएगी 36 ग्राम की। चलो पहले इसको तराजू में तोल लेते हैं। तराजू कर लेते हैं हम अपना ऑन, ये कर लिया ऑन, जीरो आ गया है जी। अब यहाँ से इसको हीप्ड स्कूप लेते हैं हम। तो ये इस तरीके की होती है हीप्ड स्कूप, देख रहे हैं आप, ये पहाड़ सा जो बन गया है, मतलब लेवल स्कूप से थोड़ा सा ऊपर। तो चलो डाल लेते हैं इसको इसके अंदर और देख लेते हैं 36 ग्राम है या नहीं है। तो स्कूप साइज मुझे लग रहा है इनएक्यूरेट, क्योंकि ये आ रहा है 44 ग्राम, तो स्कूप साइज है मुझे लगता है इनएक्यूरेट। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, इस बार लेवल स्कूप ले लेता हूँ। भाई कंपनी ने हीप स्कूप क्यों लिखा है, तो लेवल स्कूप ले लेता हूँ इस बार। ये बिल्कुल मैंने लेवल स्कूप ली है, और अब देख लेता हूँ इसको ये कितनी है, और ये आई है 35 ग्राम। तो इसका मतलब हीप स्कूप नहीं है यार, ये आपका लेवल स्कूप ही है। आप ज़्यादा मत भर लेना इसको, क्योंकि एक स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी बताई गई है, बाकी रिपोर्ट बताएगी हमारी। तो ठीक है, लेवल स्कूप है, हीप स्कूप नहीं कहेंगे हम इसको। अब जो है मैं इसको करता हूँ मिक्स, इसकी मिक्सिबिलिटी देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, और एंड में बात करेंगे इसके लैब रिपोर्ट के बारे में। तो यार इसमें पानी में डाल देता हूँ, आपके सामने गिलास में मिक्स करके दिखाऊंगा मैं। पानी मैंने ऑलमोस्ट ले लिया 250-300 ml, और ये मैं डाल लेता हूँ इसको, इसके अंदर डाल लेते हैं और इसको करते हैं मिक्स, देखते हैं कैसी मिक्सिबिलिटी है। शेकर में मिक्स करता तो बड़े प्यार से हो जाता है ये मिक्स, पर गिलास में कैसी मिक्सिबिलिटी है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना मिक्सिबिलिटी काफ़ी ईजी है। तो चलो ये देख भी लेते हैं। और दोस्तों नो डाउट सच में मिक्सिबिलिटी काफ़ी ईजी है, मैंने देखो थोड़ा सा ही मिक्स किया है और ये ऑलमोस्ट 90% मिक्स हो गया है, सच में इजी है मिक्सिबिलिटी। और इसको करते हैं टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट है यार, और मिठास थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब लगता है कि थोड़े से आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा डल गए हैं। और देखो टेस्ट सबका अलग अलग होता है, और मुझे पर्सनली थोड़े मीठे, मतलब ज़्यादा मीठे जो फ्लेवर्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मे बी अगर आपको ज़्यादा मीठा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही मुँह मीठा हो जाएगा, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चॉकलेट की फ्लेवरिंग काफ़ी अच्छी है भैया, मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा फ्लेवरिंग को, मेरी पर्सनल ये मार्किंग है, आपकी अलग हो सकती है क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग है। तो ये हो गया आपका पूरा काम, ओपनिंग होगी, मिक्सिबिलिटी होगी, भैया सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके लैब रिपोर्ट के बारे में, जो हमारा मेन जो ये वीडियो बनाने का जो गोल है वो यही है कि लैब रिपोर्ट में क्या आया है जी, वो हमको जानना है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लैब रिपोर्ट की बात करता हूँ तो लैब रिपोर्ट के हिसाब से इसके अंदर जो है कंपनी क्लेम कर रही है 27 ग्राम प्रोटीन, और लैब रिपोर्ट में आया है जी प्रोटीन इसके अंदर 74.4%। दोस्तों 74.4% का मतलब है कि हम इसका जो एक स्कूप है 36 ग्राम उसका 74.4% निकालेंगे तो वो आएगा आपका 26.8 ग्राम प्रोटीन। जी हाँ, लैब रिपोर्ट के हिसाब से प्रोटीन का जो परसेंटेज या प्रोटीन की जो क्वांटिटी कंपनी ने बताई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बाकी एक आध ग्राम ऊपर नीचे चलता है यार, वो हो भी जाता है सैंपलिंग में, उसमें तो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका एटम वे प्रोटीन ब्लेंड फॉर्म 27 ग्राम प्रोटीन वाला सप्लीमेंट्स विलापर लैब रिपोर्ट में होता है बिल्कुल पास। मिक्सिबिलिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, बाकी डाइजेशन का तो इसमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बाकी टाइम टू टाइम रिव्यू देता रहूंगा आपको। तो आप इसे ले सकते हैं, निश्चिंत होकर इसे ऑर्डर करें आप। पर ऑर्डर कहाँ से करना है,
सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। क्यों? क्योंकि आज पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। अब इसके मैं रेट भी बता देता हूं आपको, रेट काफी मतलब पॉकेट फ्रेंडली है। अगर मैं एक किलो की पैकिंग की बात करता हूं, इसका जो सेलिंग प्राइस है सप्लीमेंट्स विला पर वो है मात्र 1750 रुपए। इसकी जो 2 किलो की पैकिंग आती है उसका जो सेलिंग प्राइस है सप्लीमेंट्स विला पर वो है 3400 रुपए। और इसकी जो 4 किलो की पैकिंग आ रही है उसका सेलिंग प्राइस है सप्लीमेंट्स विला पर 6100 रुपए। तो 1750, 3400, 6100 रुपए, जैसा भी आपका बजट है आप इसे ऑर्डर करें। लैब रिपोर्ट में बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो जी हाँ, एटम वे प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर आप अपनी मसल्स को इंस्टेंट रिकवरी देना चाहते हैं, मिक्सिबिलिटी ईजी चाहते हैं, डाइजेशन ईजी चाहते हैं और टेस्ट बढ़िया चाहते हैं, ज्यादा मिठास वाला, तो आप इसे जरूर इंजॉय करेंगे। तो ऑर्डर करें इसका। ऑर्डर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो या फिर supplementsvilla.com विजिट करो। वहां पर supplementsvilla.com पर आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सब कुछ मिलेगा। और एक और ऑप्शन है आपके पास, जहां भी सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स है वहां पर विजिट करो, क्योंकि सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स अब हर सिटी में ओपन हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे भैया कहते हैं भैया हमको तो जो है शॉप पे जाकर ही सप्लीमेंट लेना है, तो इसलिए आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला दिल्ली रोहिणी आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला दिल्ली कालकाजी आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला गाजियाबाद आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला मेरठ आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला अलीगढ़ आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला मथुरा आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला पलवल आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला गुरुग्राम आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला जयपुर आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला लखनऊ आउटलेट, आप जा सकते हैं सप्लीमेंट्स विला कानपुर आउटलेट। तो यहां पर तो आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, जल्दी आउटलेट्स ओपन होंगे पंजाब जलंधर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, आउटलेट ओपन होगा पुणे महाराष्ट्र, आउटलेट ओपन होगा नोएडा, तो बहुत जगह आउटलेट्स ओपन होंगे पर धीरे धीरे। और जितने भी आउटलेट्स हैं सब आपके अपने फ्रेंचाइजी वाले नहीं है, तो इसलिए निश्चिंत होकर आप जाइए। जो भी आपको सप्लीमेंट चाहिए एज इट इज का, ये जो है आपका एटम वे प्रोटीन चाहिए ये भी मिलेगा, और भी प्रोटीन आपको चाहिए, कोई मास गेनर, क्रिएटिन, एक्स वाई जेड कुछ भी चाहिए मिलेंगे। और ये वीडियो पेरेंट्स को जरूर दिखाओ, बताओ उनको कि आज पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट्स ला। आप घबराएं नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बस उसको बोले ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेना है, लालच में नहीं आना है, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और सप्लीमेंट्स लेने हैं तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ला से। तो वीडियो चलिए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भैया लैब रिपोर्ट में पास है, बढ़िया है प्रोटीन, मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी ट्राई करो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स ला से। नमस्कार।